झारखंड में एक बार फिर से चंपई सरकार पर संकट के बादल मंडराने की संभावना जताई जा रही है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और वापस से पुराने चेहरों पर ही दाव खेला गया और दीपक बिरुआ बसंत सोरेन के रूप में नए चेहरों को ही मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई। इसको लेकर कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है। 12 ऐसे कांग्रेसी विधायक हैं जो चंपई सोरेन की कैबिनेट विस्तार से नाखुश चल रहे हैं। वहीं झारखंड का बजट सत्र भी जल्द आने वाला है। क्या इस नाराजगी का असर बजट सत्र पर भी दिखाई देगा? आखिर झारखंड की राजनीति में इसके असर क्या हो सकते हैं? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह और भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह। स्वागत है हमारे अतिथियों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। देखिए, झारखंड की राजनीति की सरगर्मी तेज है। मंत्रिमंडल का जो लेकर सस्पेंस बना हुआ था वो कल समाप्त हो गया है, लेकिन इसी के साथ कांग्रेसियों में जो है निराशा आई है, तो इसको लेकर क्या कहा जा सकता है? झारखंड की राजनीति में आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है? शुरुआत आपसे करेंगे विनय जी। नहीं, मुझे तो कांग्रेस एमएलए का एक बयान जो मैंने सुना का बैजनाथ राम जी का, कि लास्ट मोमेंट में उनको बोल करके फिर ड्रॉप कर दिया गया, तो मैं तो उनकी वेदना समझ सकता हूं कि वो दलित है इसलिए ड्रॉप किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो दलित है इसलिए ड्रॉप किया गया, क्योंकि आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और आप 10 लोगों की सूची में, आपको नहीं लगता है कि एक दलित समाज का भी व्यक्ति होना चाहिए। मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए, राजनीति सोशल इंजीनियरिंग का एक माध्यम, उसमें जो मार्जिनलाइज्ड है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे, जो सबसे निचले तबके का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा वाला समाज है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना। और मुझे लगता है कि 12% जिस राज्य में आबादी है, आबादी के हिसाब से भी देख रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स समझ में आता तो भी आपको दलित को मंत्री बनाना चाहिए था, अगर आपको सामाजिक विज्ञान समझ में आता तो भी बनाना चाहिए था। तो मैं दूसरी बात एक और कह रहा हूं कि केवल बैजनाथ राम जी का ही मामला नहीं है, बहुत लोग इतने लंबे समय तक, 4 साल तक मंत्री थे, उनको ड्रॉप भी कर सकते थे, नए लोगों को मौका दे सकते थे, और पुराने अधिकतर नामों को रिपीट करने से, और परिवार से बसंत जी को रखना ही था, वो तो मजबूरी थी, वो भी समझ रहे हैं। ये असंतोष बढ़ा है, असंतोष बढ़ा है और वो सतह पर है, ये मेरे कहने के कारण नहीं, ये मीडिया में है, ये आप लोगों को भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट क्राइसिस तो है इस सरकार में, विधायक नाखुश। जवाब देंगे ऋषिकेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनको एक चीज में सुधार कर बताना चाहता हूं कि वो बैजनाथ राम जी कांग्रेस के विधायक नहीं है, विनय जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। जी जी जी, सुधार ले रहा हूं। हाँ, बैजनाथ राम जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का क्षेत्राधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाएंगे और किसे नहीं बनाएंगे। इसमें कांग्रेस का बैजनाथ राम जी से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक दलितों की चिंता कर रहे थे विनय जी, तो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही दलित नेता अभी हमारे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, और झारखंड में 17 विधायक कांग्रेस के हैं जिसमें हमारे दलित परिवार के कोई विधायक नहीं है 17 में। तो बोर्ड निगम का गठन हुआ तो पहला बोर्ड निगम हमने दलित परिवार को दिया आवास बोर्ड का, और चेयरमैन संजय लाल पासवान जी को हम लोगों ने बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित रहे हैं, क्या आरएसएस के कभी प्रमुख दलित रहे हैं क्या? और झारखंड में विपक्ष के नेता जो अमर बावरी जी हैं, उनको 5 साल पहले 2 करोड़ रुपया में खरीद के भारतीय जनता पार्टी लाई थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबूलाल मरांडी जी कहते थे जब झारखंड विकास मोर्चा छोड़ के अमर बावरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायक अमर बावरी जो दलित हैं उनको 2 करोड़ रुपया में खरीद लिया। तो दलित क्राइसिस और दलित नेता के बारे में चिंता इनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी, 12 विधायकों की जो बात आ रही है कांग्रेस की, मैं उस पर आना चाहता हूं। जी, 12 विधायक जो कांग्रेस के, उनको कुछ आपत्ति है, कुछ नाराजगी है। वो कल झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब से सभी ने मुलाकात किया। गुलाम अहमद मीर साहब के साथ कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था वहां भी सब साथ में गए थे, और केंद्रीय नेतृत्व से गुलाम अहमद मीर साहब ने बात कराया, और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपकी अगर कोई आपत्ति है, कोई नाराजगी है, आप आइए दिल्ली, आपसे हम लोग बात करेंगे, उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यहाँ इसलिए कि ईडी का दुरुपयोग करके ये नौबत क्यों आए? ईडी का दुरुपयोग करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को
जेल भेजा गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, सब ये विकट परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था कि झारखंड में या तो सरकार गिरा दे या राष्ट्रपति शासन लगा दे, महागठबंधन के विधायक फ्लोर टेस्ट में 47-29 से जीत साबित किया। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा तो हम लोग नाकामयाब कर दिए झारखंड में। और बता देना चाहते हैं कि झारखंड में 2019 में 17 विधानसभा सीट विनय जी दलित सीट हुआ करता था, जहां से सत्यानंद भोक्ता जी एमएलए बने आरजेडी के, और वो अभी चंपई सोरेन जी के भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी के भी मंत्रिमंडल में मंत्री थे। 2024 के एक वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अब भोक्ता समाज आदिवासी समाज में शामिल होगा इस कारण से। लेकिन 2019 के चुनाव के अनुसार सत्यानंद भोक्ता दलित सीट से जीते, वो दलित थे और चंपई सोरेन जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री हैं। दलितों की चिंता न करें, दलितों के बारे में तो इनको सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना है, लेकिन दलितों का नेतृत्व पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता दलित। लेकिन जेएमएम विधायक तो खुद ही नाखुश हो गए हैं ना इस फैसले से, बैजनाथ राम जो है वो तो खुद ही नाखुश हो गए, विधायक की छोड़ने को तैयार है वो इस फैसले से नाराज होकर। जी बैजनाथ राम जी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं या जो भी उनका अपना मत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और मंत्री बनाना या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व का काम है या मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, इसमें कांग्रेस का कहां से लेना देना। कांग्रेस के 18 विधायकों में से 12 विधायक जो है नाराज चल रहे हैं, ये तो बात आप मानेंगे ना ऋषिकेश जी? टोटल कांग्रेस के 17 विधायक हैं, जिसमें 12 मैं ऋषिकेश जी का जवाब दे दूं। जी जी एक मिनट सर, कांग्रेस के टोटल 17 विधायक हैं, 18 नहीं 17 विधायक है, जिसमें 12 विधायकों कुछ आपत्ति है, कुछ नाराजगी है, और उन्होंने 12 विधायकों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने समय दिया है, उनसे वो बात करेंगे और जो भी उनको इसमें लगे कि नाराजगी दूर करने में केंद्रीय नेतृत्व तो अपना भूमिका निभाएगा और बहुत जल्द ये सब सोल्व कर लिया जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बैठ के आपस में बात होगी, सारी नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा। सारे विधायक इंटैक्ट है और कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो ख्याली पुलाव पका रही है, उनका ख्याली पुलाव पर फिर से पानी कर दिया जाए। जैसे देखिए बात तो आपने कह दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार भी ये खबरें आ रही है कि जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, कमलनाथ की बात कही जाए या उनके बेटे नकुलनाथ की बात कही जाए, बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, ये पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये पुष्टि गलत होती भी है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए ना कि कमलनाथ और कमलनाथ के पुत्र जो परिवारवाद का विरोध करते हैं, उनको क्या दोनों बाप बेटा को परिवारवाद के विरोध वाले को विरोध करने के बावजूद दोनों को पार्टी में लेंगे क्या? परिवारवाद पर हमेशा प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन कमलनाथ जी और उनके पुत्र नकुलनाथ जी, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर, उसके अनुसार भी मान लिया जाए दोनों अगर भाजपा में जाते हैं तो ये परिवारवाद माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। जी जवाब एक तो जी जी पहली बात मैं बता दूं कि जो झारखंड में सरकार है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिला करके है। बैजनाथ राम जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हैं, आप भी सरकार में हैं, आपके हिस्से से भी मंत्री बने हैं। अगर जेएमएम असफल रही किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने में तो आप अपने कोटे से बना देते। दूसरा, आपने अभी झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासी की बात की, ये बोर्ड बना कब? सरकार के बनने के 3.5-4 साल बाद, मतलब जब सरकार को बचे हुए 1 साल बच गए हैं तब इन्होंने बोर्ड का गठन किया है और एक टोकन दिखा करके कि देखिए ये हमारा दलित प्रेम है। आपने आपने संजय लाल पासवान जी को बनाया है सरकार के अंतिम अंतिम एक मिनट, मैंने आपको टोका नहीं ऋषिकेश जी। दूसरा, एक फितरत है लंबे समय से, इसके प्रमाण भी रहे हैं कि कांग्रेस दलित ट्राइबल्स के नाम के लिए बात करती है, एक ही इनका काम है अपीजमेंट, और किस समाज का अपीजमेंट करता है वो मालूम है। दूसरी बात कि हाल फिलहाल की बात है नवंबर 2023 की, कांग्रेस ने जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भारत सरकार है उनका जब अपॉइंटमेंट होने लगा तो उनके शपथ ग्रहण समारोह को इसलिए बायकॉट कर दिया और आरोप भी लगे कि भाई दलित है इसलिए आपने नहीं किया। दूसरा, सैम पिट्रोडा ने अभी कुछ दिन पहले ही बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ा था, आपके पार्टी के सलाहकार है राहुल गांधी को, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का कोई योगदान नहीं है, उनसे ज्यादा योगदान तो नेहरू जी का है संविधान बनाने में। तीसरा, आपके जो फोर फादर्स है, पार्टी के फाउंडिंग फादर है नेहरू जी, वो आरक्षण के विरोध में थे,
उन्होंने सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए ये जो बार बार है दलित प्रेम दलित प्रेम दलित प्रेम एक छलावा है। आप केवल मुंह से दलित प्रेम करते हैं, हृदय से जो आप खाली एक काम करते हैं वह है एक समाज का अपीजमेंट करते हैं। और एक बात देखिए, उसका प्रमाण यह है, एक समय था जब दलित समाज का जो मैक्सिमम वोट था वो कांग्रेस पार्टी ले जाती थी, धीरे धीरे करके प्रदेश स्तर की पार्टियां ले जाने लगी। आज भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का एक बड़ा वोट शेयर दलित समाज का भारतीय जनता पार्टी को जाता है और बहुत बड़ा वोट जाता है, हर पूरे पैन इंडिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उस समाज का विश्वास आपकी पार्टी के ऊपर से हटा है और भारतीय जनता पार्टी पर उसका विश्वास शिफ्ट हुआ है और सुदृढ़ हुआ है। इसीलिए बार बार दलित प्रेम बोल करके ये क्या है कि ये छलावा है, और मुझे लगता है कि देश जान गया है। और दलित समाज पहले की तरह नहीं है, उसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील समाज है ये, और वो जान रहे हैं कि आपकी मौखिक बातें या मौखिक दिलासा या प्रधानमंत्री मोदी का विकास। और मुझे लगता है कि ये विकास सबसे ज्यादा उस समाज तक पहुंचा है जिस तक आज तक सरकार नहीं पहुंच पाई। बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, ये सरकार तक जो नहीं पहुंच सकते थे उनके दरवाजे तक सरकार पहुंची है। और इसी कारण दलित समाज का जो बड़ा एक वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे उनके विकास के कारण उनके साथ हुआ है। और ये छलावा जो है आपका, अब बार बार दलित प्रेम, जितना आप दलित दलित करेंगे उतना ही दलित आपसे छिटकता जाएगा। आप देख लीजिए वोट शेयर उठा करके कि कितने दलित अब आपको वोट करते हैं, और जितना आप करेंगे उतनी उनको पीड़ा होती है कि आप उनको बेवकूफ समझ रहे हैं, आप उनको मानते हैं कि इनको छला जा सकता है। ये छलावा बंद कीजिए, दलित प्रेम का जो आपका असली प्रेम है उसी की बातचीत कीजिए, दलित और ट्राइबल्स की तो बात आप कीजिए ही मत। ऋषिकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। अभी भारतीय जनता आवाज आ रही है? जी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दलित पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, मेरे कुछ सवाल थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी दलित बने क्या? आरएसएस की प्रमुख कभी दलित बने क्या? कहना और करना दलितों पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो दलित हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, तो ये मुझे ना बताएं और कांग्रेस को ना बताएं। कांग्रेस को दावा बनाया जो दलित है, दलितों के लिए कांग्रेस पार्टी वेद नहीं करती। दूसरा आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत पहले बंगाल में छोड़ दिया हमारे यहाँ। देखिए ये मुद्दा दलितों पर ट्राइबल पर फिलहाल नहीं है, मुद्दा जो इस पर है कि कांग्रेसी विधायक जो नाराज हुए हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और इसी से विधायक जो नाराज विधायक है उन्होंने कहा है कि बजट सत्र से दूर रहेंगे। बजट सत्र आप दोनों ही समझ सकते हैं कि बहुत ही अहम होता है, और नई सरकार का ये बजट सत्र है, इसमें जो सत्ता पक्ष है उन्हें बहुमत के साथ सत्र जो है पास करना होता है। अगर विधायक दूर होते हैं तो सत्र कैसे पास होगा, ये है मुद्दा। कौन से विधायक का स्टेटमेंट है मुझे दिखाइए, मुझे तो अभी तक जानकारी नहीं मिली है। 12 विधायक नाराज चल रहे हैं ऋषिकेश जी। नाराज हैं मैं मानता हूं, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस विधायक सत्र से गायब रहेंगे, तो कौन विधायक ने ऐसा स्टेटमेंट दिया मुझे बताइए। दूरी बनाएंगे, ऐसा ऐसी खबर है कि दूरी बनाएंगे? नहीं नहीं, अभी तो ऋषिकेश भाई ने कहा जाना नहीं है, 17 इनके एमएलए नाखुश हैं, बीच बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा, फिर मैं भी लगातार बोलूंगा एक एक कर। जी जी आप ही बोलिए बोलिए। 12 विधायक जो कांग्रेस के नाराज, शायद किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से ऋषिकेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है। विनय जी आप क्या कहना चाह रहे थे, आप इस पर बोल सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूं कि कुल मिला जुला करके कांग्रेस पार्टी के पास 17 एमएलए हैं, उसमें से 12 नाखुश हैं, तो इससे बड़ा क्राइसिस और क्या कहा जाएगा, इससे बड़ा क्राइसिस कुछ हो सकता है क्या कि कुल मिला जुला के 17 है ही 12 नाराज है, तो लगभग 75% से ज्यादा लोग नाराज हैं इनके। और ये नाराजगी के अपने अपने कारण है, एक बात समझिए, कमलनाथ जी हो, उनके बेटे हो, और बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस पार्टी से जो काबिल लीडर्स हैं उनका निकलना इस बात को प्रमाणित करता है कि आप कांग्रेस पार्टी में जब तक रहेंगे तब तक आपका सम्मान और आपका आत्मसम्मान ये आप ताक पर रख करके आइए।
अगर आपको अपना सम्मान प्रिय है, आत्मसम्मान प्रिय है, तो कांग्रेस पार्टी में आपके लिए जगह नहीं है। वहां पालतू कुत्ते के लिए सम्मान है, उसको ज्यादा तरजीह दी जाएगी एक ऐसे नेता से जो जाकर के बाद में एक नेशनल लीडर बनने का पोटेंशियल रखता है। और जाकर के देखिए कि क्या हुआ है, असम के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है उसके उदाहरण है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी अपने करियर और अपने आत्मसम्मान में आत्मसम्मान को चुना। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के उनका, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उनका लीडरशिप निखार हुआ और एक बड़े लीडर के रूप में वो जाने गए देश भर में। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या था, राहुल गांधी को ज्यादा जरूरी उनका पालतू कुत्ता लगता है, उसको बिस्किट खिलाना लगता है, और कोई आदमी अपने प्रदेश से वहां की समस्याएं लेकर के आया है, वहां के लिए बात करने आया है, आपके पास समय नहीं है। राहुल गांधी पर्यटन कर रहे हैं, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का पोल मुझे मालूम है, ये झारखंड में ही खुल गई, एक स्थान विशेष पे जहां एक समाज का आबादी ज्यादा है वहां पर ये बाहर निकलते हैं, हाथ दिखाते हैं, वहां रुकने की व्यवस्था की जाती है, जहां पे दूसरे वर्ग के लोग हैं वहां इनकी गाड़ी नहीं रुकती क्योंकि वहां भीड़ नहीं होती। तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है, और न्याय यात्रा नहीं है, ये अन्याय यात्रा है। लेकिन समर्थन इस यात्रा को मिल रही है तो आप मानेंगे ना? जहां जहां राहुल गांधी वहां बंटाधार करते गए, अभी झारखंड आए, झारखंड बंटाधार, इस यात्रा को समर्थन कई लोगों से मिल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इस कांग्रेस के इन दोनों यात्रा से जुड़े हैं, भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी लोग जुड़ रहे हैं, इस बात को तो मानेंगे? नहीं नहीं, कई लोग रोड पे तमाशा देखने भी आ जाते हैं, तो सारे सर्कस देखने वाले सर्कस के मालिक को वोट थोड़ी ना कर देते हैं, ठीक है? तो ये सर्कस ही है, लोग जुट जाते हैं देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, ठीक है? कोई वोट नहीं करने वाला है। और जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दलित समाज का और ट्राइबल समाज का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर से हटा है, टूटा है, घटा है, और एक समय में जो बड़ा चंक वोटर्स का इनके प्रति समर्पित था, धीरे धीरे इनकी जमीन खत्म हुई है। और तो और देखिए कि मैं तो फिर कह रहा हूं कि झारखंड में ये हमेशा से क्राइसिस में रहे हैं, इनके आपस में समन्वय की कमी रही है, विश्वास का एक दूसरे पे कमी रहा है, कोई लीडरशिप नहीं है इनके पास झारखंड में। और राहुल गांधी जहां जहां गए हैं, देखिए बिहार गए, बिहार में साहब सरकार चली गई, झारखंड आए, झारखंड में क्राइसिस हो गई। आप एक बात मुझे बताइए, ये चुनाव का समय है, छोटी छोटी पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां सब चुनाव के मोड में है, राहुल गांधी साहब पर्यटन कर रहे हैं, रैंगलर जीप, ओपन जीप लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। अरे आपको चुनाव के व्यवस्था में लगना था, कैंडिडेट फाइंडिंग करनी थी, आपको रणनीति बनानी चाहिए थी, मुद्दे आपको स्टडी करने चाहिए थे, इसके लिए समय है, साल है, चुनाव का ही साल है, जिस वजह से कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऋषिकेश जी हमसे शायद तकनीकी दिक्कत के कारण डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जैसा कि उनसे आपने सुना, कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि झारखंड की राजनीति में बीजेपी द्वारा ही कोई साजिश रचा गया है, ईडी के माध्यम से हो, बाकी केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से हो, पूर्व सीएम को गिरफ्तार करवाया गया है। और यह भी आपने सुना कि या तो राष्ट्रपति शासन या फिर झारखंड की सरकार को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में एक संविधान है और वो संविधान सारी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से भी ऊपर है, वो ना राहुल गांधी से भी ऊपर है और हेमंत सोरेन जी से भी ऊपर है। अगर आप इस संविधान के खिलाफ कुछ करेंगे, असंवैधानिक कुछ करेंगे, तो आपके ऊपर कानून लागू होंगे, अगर चोरी करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो कोई देश की संस्था आपके ऊपर आरोप तो लगा सकती है, लेकिन फाइनली माफी मांग करके, हाथ जोड़ करके आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी दिल्ली से लेकर के झारखंड तक में जितने मैटर्स अभी हुए हैं, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सुविधा के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट कहता है कि नहीं, इनको हम बेल नहीं दे सकते, इनको रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। तो ये बार बार भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों का कोई नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो सरकार चला रही है, एजेंसियां हैं, और उनके दायरे में अपराध हो, आर्थिक अपराध हो या और तरह के अपराध हो, वो जिस एजेंसी के लायक हो उस एजेंसी के खाते में जाती है। अगर आतंकवादी मामला है तो एनआईए खाते जाएगा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो पीएमएलए का केस अगर बनता है तो ईडी के खाते जाएगा। और आपका गुनाह जितना बड़ा है, आपके खिलाफ सबूत जितने ज्यादा हैं, उतनी ही ज्यादा आपको तकलीफ होने वाली है। इसीलिए जो नेता है जो बड़े पदों पर गए हैं उसके लिए हेमंत सोरेन जी उदाहरण है, और दिल्ली के नेता आम आदमी पार्टी का उदाहरण है कि आपसे कानून ऊपर है और कानून सब देख रहा है, और आप कितनी भी बारीकी से सफाई से कोई घपला करें, घोटाला करें, उसके फुटप्रिंट्स बच जाते हैं और आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा हो रहा है।
और आप बच नहीं सकते। इसीलिए ये एक तो नसीहत है कि आप सरकार में हैं, और अभी जो चंपाई सोरेन है उनके लिए भी नसीहत है कि अगर आप ठीक से चलेंगे तो बढ़िया सरकार चलेगी, अगर उस वही काम करेंगे जो हेमंत सोरेन जी के समय में किया तो वही हाल होगा जो हेमंत सोरेन जी का हुआ। ठीक है, तो हेमंत सोरेन तो उदाहरण है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सरकार कैसे चलानी चाहिए और कैसे नहीं चलानी चाहिए, अपने आसपास सलाहकार कैसे रखने चाहिए कैसे नहीं रखने चाहिए। तो अगर सलाहकारों के हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही है, जो नाराजगी अभी मची हुई है विधायकों के बीच कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, इसे लेकर ये भी खबरें आ रही है कि कई ऐसे विधायक मंत्री हैं जो शायद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ये मुझसे पूछ रही हैं? जी जी विनय जी। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए राष्ट्रीय चुनाव आ गए हैं, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और सारे नेता उसमें व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी से हम लोग मंत्र ले रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में ये सरकार अपने कारणों से जाएगी, इसको किसी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है गिरने गिराने के लिए। आपस में इतना असंतोष है, जितना इनकी नाराज है कि इसका इनका तो हिसाब किताब जनता करेगी जब ये चुनाव में आएंगे, और ये सरकार गिरेगी तो अपने अलग अंतरकलह से गिरेगी। अंतरकलह है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस अंतरकलह से भारतीय जनता पार्टी दूर है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और सरकार गिरना गिराना ये काम भी नहीं है जी हमारा। हमारा तो काम है कि जब हम सरकार में आएंगे तो बढ़िया गवर्नेंस करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, फिर से जीत करके आने का प्रयास करेंगे, और चुनाव अभी आया है तो चुनाव ढंग से लड़ेंगे, 24 घंटा काम करेंगे, जनता के सामने अपने एजेंडे ले जाएंगे, एजेंडा से जनता को कन्विंस करेंगे, पुराने जो काम किए हैं उस काम को बता करके उनसे फिर वोट मांगेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने जो जन जन तक, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जितनी योजनाएं हैं जो जन जन तक, देश के कोने कोने तक पहुंची हैं, उसको हम बताते हैं, उनका लाभ जहां जहां हुआ है उसका मैपिंग करते हैं। तो इस कारण से बहुत वैज्ञानिक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का, उस कारण से वोट बढ़ते हैं, उस कारण जनता का विश्वास बढ़ता है। यह गिराना पिराना ये बाकी लोगों का काम है जी, और झारखंड में कोई गिराने की जरूरत नहीं है, ये किस्मत है, अपने अपने कारणों से सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, बाकी ये तो गिरी गिराई सरकार है, इसको गिराने की क्या जरूरत है। 17 MLA कांग्रेस के हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 12 नाराज हैं, अब मनाइए उनको, मनाने में आपको तो काम करना चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, आप मनाने में लगे रहिए, मनाइए कितने मानते हैं कितने नहीं मानते, उसे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है जी। चलिए, नए चेहरों को मौका देने की मांग कर रही है कांग्रेस, वही हालांकि कैबिनेट के विस्तार में ये मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन राजनीति में इसके असर क्या पड़ेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा, और कौन से कांग्रेसी जो है हाथ का साथ छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों का दामन थामते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। सीएम चंपई के लिए हालांकि ये बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह ये अपना गठबंधन के नाराज विधायकों को मना पाते हैं, कैसे इस गठबंधन में बांध कर रख पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, और इस पर ज्यादा से ज्यादा खबरें आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज के हमारे अतिथियों का धन्यवाद, और आप सभी देखते रहें रफ्तार मीडिया।